हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक टीच 2.0 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान के चमत्कार के ऊपर निबंध बताने जा रहा हूँ। चलिए तो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने इस युग को बड़े बड़े आविष्कार और खोजें दी हैं, जिसके कारण मनुष्य का जीवन सुविधा से संपन्न आरामदायक बन गया है। विज्ञान के बिना एक पल भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट है विज्ञान के वरदान या लाभ। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विज्ञान ने मनुष्य जीवन को ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं, जिससे वह अपनी छोटी से छोटी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। विज्ञान ने अंधे को आँख, बहरे व्यक्ति को श्रवण यंत्र, विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान किए हैं। विज्ञान की सहायता से मनुष्य अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है। चलिए तो हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट है आगमन के क्षेत्र में विज्ञान की देन। आवागमन के क्षेत्र में भी विज्ञान की देन। चलिए तो पढ़ लेते हैं। रेल, बस, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जलपोत, मोटर कार, गाड़ियाँ, ट्रक, वाहनों की सहायता से हम बिना किसी कठिनाई के अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। आवागमन के इन साधनों ने संचार की दूरी कम कर दी है। चलिए तो हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। देख लेते हैं फोर पॉइंट। हमारा फोर पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की देन। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आज की शिक्षा केवल क्लासरूम में सीमित ना रहकर दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट के द्वारा गांव या शहर में प्राप्त की जा सकती है। चलिए तो देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन। मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान ने सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, वीडियो गेम भी प्रदान किए हैं, जिसके माध्यम से हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। चलिए तो सिक्स पॉइंट देख लेते हैं। हमारा सिक्स पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की देन। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कृषि और उद्योग धंधों के विकास में भी विज्ञान ने कृषकों की बड़ी मदद की है। ट्रैक्टर, सिंचाई के पंप, बीज बोने की, बोने से काटने और साफ करने तक के यंत्र, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, औषधियाँ आदि के कारण उसका उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। चलिए तो देख लेते हैं सेवन पॉइंट, जो कि हमारा आखिरी है, जिसे उपसंहार बोला जाता है। चलिए तो पढ़ लेते हैं उपसंहार। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसका लाभदायक पक्ष और दूसरा हानिकारक पक्ष। यह तो मनुष्य के विवेक पर है कि वह किसे अपनाए। विज्ञान तो मनुष्य का दास है, मनुष्य को उसका दास नहीं बनना चाहिए। विज्ञान ने मानव जीवन को श्रम शक्ति, समय बचत का उपहार दिया है। चलिए तो हमारा उपसंहार भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।